अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों ने लास्ट टू वीडियोस में देखा, आयराइजू ने वो ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज किया था, मेकअप शेकअप किया, वावा सोना किया, और तुहानू पसंद भी बहुत आया माशाल्लाह। जो लोग आज फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों वीडियोज का लिंक दे देती हूँ, जरूर देखें भाई, बहुत फनी है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। और वो वीडियोज बनाने का आइडिया मेरी कजन का था, और बल्कि बनाई भी उसी नहीं है, मेरे बच्चे दो तीन दिन हालांकि तो फ्रेंड गए हुए थे, पेंट शेंट हो रहा था, मैंने आपको बताया था ना, तो बस उन ने वो रिकॉर्ड कर ली थी और दो दिन फिर मैंने वही अपलोड कर दी। तो यहाँ क्या चाह रहा जी, ये फ्राइज मंगा लिए थे मैं और आयशा ही थे घर, दो रहते तो जनाब यासिर ने भी नहीं हमसे पूछा, मतलब मेरे से पूछा कुछ खाना पीना है, बच्चे तो नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह से फास्ट फूड मंगा लेते होते हैं, मैं भी नहीं यासिर ने किया। जब तीसरी रात नमाज शमाज मैंने पढ़ी, यासिर भाई आई थिंक फार्मेसी पे गए थे, तो फिर मैंने इन्हें मैसेज किया भाई मैं और आयशा भी घर हैं, आप हमारे लिए भी कोई फ्राइज श्राइज ले आए थे। फिर यासिर साढ़े यासिर लाए थे, तीन चार पीस ही मैं खाते थे, पता नहीं क्यों मेरे से बहुत ज्यादा फ्राइज हर रोज नहीं खाए जाते, मतलब मंथ में एक दो दफा ना मैं नमक मिर्च वाले फ्राइज खाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो ये मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग टाइम भी थे गैलरी अच्छी, ऐसी सोने शोने आए थी ऐसी, फिर नाश्ता लाया सन इस तरह ट्रे से जाके हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, और वो नान चने कोफ्ता और अंडा था वो मैंने और यासी ने खा लिया। और फिर जब आयशा उठी, आयशा के लिए मैंने ये पिशावरी रोटी फ्राई कर दी थी, बाजी से मैंने ये दो मंगा दी थी, फिर बाजी को भी ये फ्राई कर दी और आयशा के लिए भी ये फ्राई कर ली है। आयशा ने कहा ये सारी खानी थी, फिर हम दोनों ने खा ली, दोपहर का टाइम तकरीबन हो रहा था, 12-1 बजे का टाइम था, वो नान चने सुबह से खाए हुए थे और मैंने और आयशा ने फिर खा लिया। और यासिर के बर्थडे पे है, ऐसे यू फोन वालों ने ये गिफ्ट भेजा भाई, पहला फिर भी सोने गिफ्ट कर देते सन, नाल बुके भेजते थे और केक शेक भेजते थे। अब तो देखे ना ये यू फोन के सब एम्प्लॉयज को जिस मर्जी रैंक पे हैं जनाब, यासिर एज अ मैनेजर वर्क कर रहे हैं यू फोन के साथ, तो ये गिफ्ट आया था, हर यासिर का नाम ऊपर लिखा हुआ था, तो मैंने फिर ये संभाल दिया, मैंने कहा चलो भाई यू फोन की कोई तो निशानी ऐसी रख ली है, क्योंकि लगता नहीं कि मजीद कंटिन्यू करेंगे यासिर जॉब ना यू फोन में, क्योंकि भाई बहुत तंग है इस जॉब से यासिर, खैर अल्लाह है रखे, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करे, बल्कि जो अल्लाह करता है ना वो बेहतर ही होता है, इंशाल्लाह ताला सब कुछ बेहतर ही होगा, और अल्लाह ताला इस जॉब में यासिर के लिए आसानियां पैदा करे भाई। इस जॉब को लेके यासिर तो जो परेशान है परेशान है भाई, उन्हें देख के मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, जिसकी वजह से जनाब एक स्टेप मैंने ले लिया अपनी लाइफ में, छोटा सा काम मैंने शुरू कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई कर लिया है, 3-4 दिन तक इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी मियाँ यासिर हम जो लिखा हुआ था नाम, तो मैं क्या चलो यू फोन की निशानी रख लेने, बाकी अगर इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतरी है तो अल्लाह ताला इधर ही कंटिन्यू रखे, ऐसे की जॉब अगर नहीं है तो हमारे लिए कोई अच्छा सा सबब बना दे, आप लोग दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अच्छा मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये यूफोन की तरफ से काफी गिफ्ट्स आते थे पहले, ये एक दो साल से पता नहीं क्यों, जब से ये एपीटीसीएल के साथ मर्ज किया ना, तो तब से इनकी गिफ्टिंग और इनके ये सारे काम ना जरा कंजूसों वाले हो गए हैं, पता नहीं पीटीसीएल कंजूसा दा सी जो उसका पार्ट है। पहले वाली जो चीजें होती थी गिफ्ट शिफ्ट वो मैं संभालती नहीं थी, मैं क्या चलो ए वाले संभाल लेने अभी उनमें को कितों तक संभालांगी, जिस दिन दिलचा हम ये भी यूज कर ही लेंगे, भाई जी चीजें जो होती है ना इन्हें यूज कर लेना चाहिए, यूज करने के लिए होती है, इंसान यूज करने के लिए नहीं होते, जिन्हें के सब इंसान यूज करते हैं, हम इंसानों की कदर करनी चाहिए, उन्हें यूज नहीं करना चाहिए और इन चीजों को यूज कर लेना चाहिए, लेकिन इतने सारा पुट्ठा हिसाब होता है, असं इंसानों को यूज करने हैं तो चीजा संभाल छड़ने हैं कि चलो वही है निशानी रख लेने हैं, भाई हमें इंसान की कदर करनी चाहिए, बहुत कदर करनी चाहिए। अब जनाब इतने गैस आ गई थी, मैं जल्दी जल्दी चिकन चढ़ा देता होते, मैं कहा चलो नाल चिकन कढ़ाई बना लेने, और साथ में हम घर समेट रहे थे थोड़ा बहुत, जो सा रूम हो रहा है ना पेंट वो मैं साथ साथ समेट रही हूँ, बाजी को कह रही हूँ कि बाजी साथ साथ वो साफ करते जाए, आपको पता है पेंट 100 रुपये कितना ज्यादा लग जाता है, वो एक मेहनत वाला काम है, वो काम माशाल्लाह मैं और बाजी मिलकर किए जा रहे हैं, और साथ हमारे एक और बंदा है भाई जो हमारे साथ बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आप लोगों को पता ही है, उसका आगे चल के देखें वो बंदा कौन है। अच्छा भैया आपको इस खूबसूरत सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी चाहिए ना, तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, बड़ी जबरदस्त रेसिपीज मेरे चैनल पे अवेलेबल है भाई, जो लोग नए हैं ये रेसिपीज देखना चाहते हैं वो मेरी पुरानी वाली वीडियोस में देख लें, इतनी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज मैंने शेयर कर दी हुई है आप लोगों के साथ, तो बस वो आप लोग देखते रहे, 2 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूट्यूब के साथ वर्क करते हुए, तो बस अच्छी अच्छी सी सारी रेसिपीज मैं डाल चुकी हूँ ना, तो ये बहुत मजे की कढ़ाई बनती है, चिकन कढ़ाई की शनवारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी आप देख सकते हैं, और ये बनाने पर टाइम भी इतना कम लगता है, मिनिमम 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट्स में
में ये रेसिपी रेडी है। अच्छा, मेरे पास चिकन डीप फ्रोस्ट हुआ नहीं पड़ा होता, आपको पता है फ्रीज हुआ होता है, मैंने उसी तरह उसमें टमाटर डाल के उसे वेट लगा दिया था 5 मिनट में, वो गल गया था, उसके बाद ही आपके सामने मैं भून रही हूँ। तो बस ये इसकी रेसिपी है, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है कि इसमें टमाटर डालेंगे, और शनवारी चिकन या मटन में टमाटर ही डालते हैं, ठीक है। भाई आप भी कहेंगे कि आप बार बार म्यूजिक लगा देती हूँ, भाई इसलिए लगा देती हूँ, क्या बोलूँ मैं इतनी बातें कहाँ से बंदा भाई लाए, और अगर बातें करने लगो ना भाई गल्ला ही तो गल्ला निकलती हैं, तो फिर गलत गला निकलती हैं मतलब बंदा अपने दिल की भुड़ास निकालना शुरू हो जाता है, इस वजह से मैं ना म्यूजिक ऐड कर देती हूँ। और आयशा का यहाँ जूस बन रहा है मिल्क शेक, कोई अक्सर जूस कहती है, इसे मैं बनाना मिल्क शेक बना के दे रही थी, और इतनी खुश हो जाती है ना बनाना मिल्क शेक पी के माशाल्लाह। चलिए भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से भी शेयर करें मेरे चैनल को, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो जनाब बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। टिकटॉक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मेरे पेज को फॉलो कर लें। ये देखें जी आयशा की खुशी की इंतहा देखें इतनी खुश होकर पीती है, और अक्सर तो नजर में भी आ जाती है, बच्चे को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, मतलब मैं खुश होती हूँ ना, और मैं खुश होकर सबको बताती भी हूँ कि माशाल्लाह मेरे बच्चे खाते पीते हैं। मैंने मोस्टली मदर्स देखी हैं कि वो किसी को बताती नहीं है कि खाते पीते हैं, मतलब अगर बच्चे खाएं भी तो तब भी यही कहती है नहीं ये तो कुछ खाते नहीं है, अच्छा करती है वो, फिर उनके बच्चों को नजर नहीं लगती। आयशा को हर दूसरे तीसरे दिन ये खाने पीने से इतनी नजर लग जाती है ना कि ये वॉमिट कर देती है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं झूठ नहीं बोल सकती। यहाँ देखें आयशा के कपड़ों पे भी पेंट लग गया है, हाथ पे भी दिखा रही थी, और ये बालों पे भी लग गया है, क्योंकि ये साथ बंदा है जो हमारे काम करवाता है। आपके भी बनाओ ऐसा, उधर नहीं जाए बेड के पास, बेड पर जा रहा होगा। भाई अब तो बस थक के बुरा हाल हो गया था, इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है ना आजकल, हालांकि बाजी सारे काम साथ करवाती हैं, लेकिन मेरा काम भी डबल हुआ हुआ है, तो बस फिर थक के बुरा हाल होने के बाद जनाब चाय तो ज़रूरी होती है, खाना वाना खा लिया था, किचन थोड़ा सेटफिट कर लिया था, और ये थोड़े से बर्तन थे ये भी मैंने ये चाय बनाते हुए धो लिए थे, तो बस अब ये चाय लेके मैं जा रही हूँ नीचे रूम में, वहीं पर चाय पीने के बाद नमाज़ पढ़ूंगी और फिर हम सो जाएंगे। होपफुली मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, मतलब चंगा जहा कंटेंट पाऊंगी मैं, ठीक है ना, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।